मैं ब्रजेश जी आपके पास आ रहा हूँ कि जो बात प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ा दे रहा हूँ। हमने देखा है कि अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया कोई भी मैच होता तो मैच के बाद हारने वाली टीम भी जाके हाथ पिलाती है, कॉन्ग्रेचुलेट करती है, दूसरे को बधाई देती है। मैं बहुत सी मतगणना में रहा हूं साक्षी, जो हारने वाले कैंडिडेट होते हैं जीतने वाले कैंडिडेट को जाके हाथ मिलाते हैं, भाई कि आप जीत गए। हमारा देश ऐसा है जहां के प्रधानमंत्री रवीश कुमार को मैग्सेसे मिलता है, क्या कर्तव्य नहीं था बधाई देना? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये चीजें जरूरी हैं। दानिश सिद्दीकी जो आपके और हमारे प्रोफेशन से आता था, पुलित्जर प्राइज मिला हुआ था, अफगानिस्तान में उसकी हत्या होती है, क्या दो शब्द उसके लिए बोलना प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं था? गीताश्री को बुकर प्राइज मिलता है, देश के लिए अभिमान की और गर्व की बात है, खास करके हिंदी, हम सब जो भी हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए गर्व की बात है, क्या उनका दो शब्द उनको बधाई देना इनका कर्तव्य नहीं था? और अंत में सतपाल मलिक की बात से मैं बात कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, सतपाल मलिक का कहना था कि आप एक कुत्ते की मृत्यु पर अगर कंडोलेंस देते हैं और 600 किसान जब मर जाते हैं तो आप नहीं बोलते हैं, तो क्या ये कर्तव्य नहीं? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात हमको और आपको समझ नहीं होगी। तो क्या रमेश कुमार, दानिश सिद्दीकी और गीताश्री को बधाई के वो नहीं थे या संवेदना के पात्र नहीं थे? मैं गौरी लंकेश की बात नहीं कर रहा हूं, गौरी लंकेश का मामला पुराना हो गया, उस समय भी नहीं कहा गया था देश जी, क्योंकि आप भी उस कम्युनिटी से आते हैं इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी को लेकर बहुत सारी चीजें लोगों के मन में बहुत साफ है। मोदी नेता नहीं, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो देश के प्रधानमंत्री नहीं मानते को, वो उन सारे लोगों को जिनको किसी भी रूप में अपना विरोधी पाते हैं उसको सिर्फ एक ही श्रेणी में रखते हैं, दुश्मन की श्रेणी, और ऐसे दुश्मन हैं जो अच्छे बुरे दोनों वक्त में दुश्मनों को न बधाई देते हैं न उसके लिए कोई दुख जताते हैं। उनके किसी भी कार्यक्रम में किसी भी चीज में देख लीजिए तो लाइन साफ दिखती है, वो जब भी बात कर रहे होते हैं तो दुश्मनों के लिए कुछ वहां पर ऐसा सेट कर रहे होते हैं गोल कि वो उनकी अच्छी बात भी किसी दूसरे के लिए बुरी साबित। कल के जिस घटनाक्रम का हम लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कर्तव्य पथ की बात में, कल उनके भाषण को मैंने ध्यान से दोबारा मैंने पढ़ा और देखा, मुझे लगा उस पूरे चीज में एक गोल था, जो बोल रहे थे और जो नहीं बोल रहे थे दोनों चीजें चल रही थी एक साथ। वो जब सुभाष चंद्र बोस की तारीफ कर रहे थे तो उन्हीं शब्दों में वो नेहरू जी की या उस समय की कांग्रेस की सरकार की आलोचना भी कर रहे थे बिना बोले, क्योंकि वो बार बार तुलना कर रहे थे कि प्रधान यदि ये प्रधानमंत्री होते तो देश को कहां ले जाते। मतलब देश के महापुरुषों की आपस में तुलना करना और उसको ये बताना कि कौन सा नेता ठीक था कौन सा वाला खराब था, उसमें भी वो इस राजनीति के शिकार थे कि कांग्रेस जहां खड़ी है वो शायद गलत जगह खड़ी है, जो जो लोग छूट गए थे जो जो लोग सत्ता का हिस्सा नहीं बने थे वो लोग ज्यादा अच्छे होते। आज वो कहते हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चलना चाहता हूं या चल रहा हूं, इसके लिए जो मेरे मन में सब देखते हुए एक दिमाग में एक शब्द ख्याल आया, बेसिकली मोदी जी कर्तव्य और कर्तव्य दो शब्दों का अर्थ शायद मिक्स कर दिए, वो अपने हर कर्तव्य को कर्तव्य मानते हैं और चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके कर्तव्य को कर्तव्य माने। बेसिकली इसमें पूरी बीजेपी मोदी जी के कर्तव्य को ही कर्तव्य मान करके वाह वाह कर रही है। इस बातचीत के दौरान वो कुछ देशभक्ति और आजादी और अंग्रेजों की बात की, से राजपथ अगर हट जाता है कर्तव्य पथ हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे गुलामी को तोड़ के एक जंजीर फिर से एक नई आजादी भारत पा रहा है। संयोग देखिए कि 24 घंटे के अंदर ही ब्रिटेन की महारानी की डेथ हो जाती है, जिस अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक को तोड़ रहे थे 24 घंटे बाद ही उस महारानी के लिए पूरे देश का झंडा झुक जाता है और देश को एक दिन के लिए शोक घोषित कर दिया जाता है। क्या है वही सरकार है? क्या है वही मोदी जी 24 घंटे पहले एक सड़क का नाम बदल करके अंग्रेजों से मुक्ति की याद दिला रहे थे? उसी देश की महारानी के लिए 24 घंटे के लिए शोक जता करके क्या फिर से हमें उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं? बेसिकली इनके शब्दों का कोई मतलब नहीं, ये सब कर्तव्य।
एक ही टाइम में वो महारानी के मरने पर शोक जता रहे हैं, देश का झंडा झुका रहे हैं, और उसी 24 घंटे के अंदर वो एक सड़क का नाम बदल करके, राजपथ से कर्तव्यपथ करके अंग्रेजों की गुलामी का मुक्ति पा रहे हैं। इस कर्तव्य को समझने के लिए लोगों को खुले दिमाग से मोदी जी के कामों पर नजर रखनी चाहिए, खास करके आम जनमानस को। पूरी बातचीत में वो गिनाते गिनाते अपने कामों में गिनाते हैं कि मैंने अंग्रेजी शासन के कितने कानून तोड़ दिए, खत्म कर दिए। पिछले 8 साल में राजद्रोह के कानून का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे ख्याल से बीजेपी सरकार ने किया, आम आदमी के खिलाफ, पब्लिक के खिलाफ। ये राजद्रोह का कानून कहां से आया था? उन्हीं अंग्रेजों से आया था। उसका इस्तेमाल करते समय उन्हें कभी नहीं लगा कि मैं अंग्रेजों की तरह देश में शासन करने की कोशिश कर रहा हूं। वो आज भी काम कर रहा है, आज भी उसके लिए सरकार कोर्ट में जाके जस्टिफाई करती है, कानून बहुत सही है और जो कार्रवाई की गई बहुत सही है। लेकिन जब वो मंच पर होते हैं, अंग्रेजों के ऐसे कानून जिनके आज की डेट में कहीं कोई इस्तेमाल भी नहीं होता था, खत्म हो चुके थे, उनको हटाने के नाम पर ये वाहवाही लूटना चाहते हैं कि मैं अंग्रेजों के शासन से बाहर ला रहा हूं देश, उस गुलामी के पद से लोगों को बाहर ला रहा हूं, और उसी काम को बखूबी उन्हीं के कानूनों से, उन्हीं रास्तों से कर रहे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी जब भी मंच पर होते हैं वो कर्तव्य कर रहे होते हैं। वो कोई भी घोषणा कर रहे हो उसमें कोई कर्तव्य छिपा होता है, कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें कर्तव्य छिपा होता है। और लोगों से कहा जाता है इसको कर्तव्य मानो, इसको काम मानो, इसको उपलब्धि मानो, इस पर वाह वाह करो, इस पर ताली बजाओ, और करने वाले कर रहे हैं। मीडिया के मैंने तमाम एंकर्स को मोदी से ज्यादा कर्तव्य पथ पर खड़े होकर के लंबी लंबी बातें करते हुए सुना। मुझे लगा वो एंकर नहीं है, वो एक्टर जिनको एक थीम दी गई है, जिनको एक स्क्रिप्ट दी गई है कि कर्तव्य पथ को देश के भविष्य से जोड़ के दिखाइए। अब जैसे लाखों करोड़ों माध्यमों से लोगों के दिमाग में जब ये बात जाती है तो थोड़ी देर के लिए लोग सोचना बंद कर देते हैं, सुने हुए शब्द ही उनको अपने विचार लगने लगते हैं, लाखों करोड़ मानने लगते हैं कि वास्तव आज कर्तव्य पथ बन गया है, अब देश थोड़ा सा जो है अंग्रेजों की उससे बाहर आ गया है। तो इस रणनीति का हिस्सा देश का जो है आम जनमानस बन चुका है। ये सही बात है कि वो गरीबी से परेशान है, वो लगातार महंगाई से परेशान है, उस छटपटाहट में है, लेकिन खुल के अभी भी वो मोदी जी की जो कर्तव्य है, जो राष्ट्र प्रेम है, उसकी आलोचना नहीं कर पा रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि कल तक तो मैं इसी को सही बताता था, अब कैसे मैं इसको गलत बताऊं। उस दुविधा से निकालने के लिए जो ये नकली राष्ट्र प्रेम है, इसकी जितनी ज्यादा पोस्टमार्टम किया जाएगा, लोग उतना ही उस चीज से बाहर आ पाएंगे। जी मैं विजय सिंह साहब बस आखिरी के 30 सेकंड, लेकिन उसके पहले मैं दर्शकों को एक चीज और बता दूं, क्योंकि अजय सिंह साहब ने उस बात को उठाया, नकली नोट को, अरे माफ कीजिएगा, वो जो नोटबंदी के समय नोट चेंज करने की बात को, ये मैं दर्शकों की सूचना के लिए बता दूं, देश के प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक में जिस बैंक से सबसे ज्यादा नोट बदले गए नोटबंदी के दौरान, और फिर वो कोऑपरेटिव बैंक को एक विंडो मिली थी 30-40, फिर आरबीआई को बंद करना पड़ा, उस पे एक नंबर का जो बैंक था उसके चेयरमैन हमारे अमित शाह साहब उस समय थे। ये मैं दर्शकों की जानकारी के बता दे रहा हूं, मैंने इस पे एपिसोड भी किया हुआ है, अभी तुरंत एपिसोड नंबर याद नहीं है, कभी मैं कोशिश करूंगा उसको डाल दूं। ब्रजेश सिंह साहब आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करें, फिर टाइम हम ओवर ज्यादा कर लिए। ब्रजेश सिंह साहब, सारे वक्ताओं ने करीब करीब वो मुद्दे उठा दिए, जब नियत पे सवाल उठ गया है तो वहां पर यह बात करने का कोई उचित नहीं बनता है कि जिस आदमी की नियत ही गलत है, वह शब्दों से प्रतीकों से बार बार आपके सामने उन बड़ी बड़ी बातों को करता रहेगा, लेकिन उसके एक्ट में वो कुछ भी नहीं झलकेगा। आवरण के लिए उन चीजों की बात करता है, उसे पता है कि मॉस जो है दूर बैठा हुआ मॉस है, उसको कुछ आवरण चाहिए, उसके लिए कभी वो राष्ट्र प्रेम की बात करेगा, कभी वो कर्तव्य की बात करेगा, कभी दूसरी चीजों की बात करेगा, लेकिन वह व्यवहार में वही करेगा जो उसके लिए टारगेट पहले से तय है। मोदी जी वही कर रहे हैं जो उनके लिए टारगेट तय है। मोदी जी बार बार राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, कर्तव्य की बातें जो करते हैं वो केवल लोगों को भरमाने के लिए करते हैं, और जो भी खुली आंख से इन चीजों को देख रहा है उनके कर्तव्य को और उनके वक्तव्य को वो आसानी से जानता है कि उनके कर्तव्य उनके वक्तव्य से बिल्कुल जुदा। धन्यवाद।